हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू कविता हायर उर्दू क्लासेस। कविता हायर उर्दू क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गाइस, लास्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चनर पढ़े थे। क्वेश्चनर क्या होता है ये हम लोग जान चुके हैं। इस वीडियो में क्वेश्चनर के टाइप्स को देखेंगे। तो गाइस, क्वेश्चनर कई तरह के होते हैं। इसे प्रश्नों की बनावट, उपयोगिता और रचना की दृष्टि से कई भागों में क्लासिफाइड किया जा सकता है। लूंडबर्ग के अकॉर्डिंग क्वेश्चनर टू टाइप्स की होती है, क्वेश्चनर ऑफ फैक्ट्स एंड क्वेश्चनर ऑफ ओपिनियन एंड एटीट्यूड। इसमें फर्स्ट टाइप के क्वेश्चनर वे हैं जिनका यूज किसी ग्रुप के सोशल या इकोनॉमिक कंडीशन से रिलेटेड डेटा कलेक्शन के लिए किया जाता है। सेकेंड टाइप के क्वेश्चनर का पर्पस किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर रेस्पोंडेंट का इंटरेस्ट, आइडियाज, ओपिनियन एंड एटीट्यूड को जानना होता है। इसी तरह से पीवी यंग ने क्वेश्चनर के टू टाइप्स को बताया है, स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनर एंड अनस्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनर। क्वेश्चन के नेचर के बेस पर क्वेश्चनर थ्री टाइप्स की होती है, ओपन क्वेश्चनर, क्लोज क्वेश्चनर एंड पिक्टोरियल क्वेश्चनर। तो इन सब की डिटेल को हम लोग एक एक करके देखेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनर क्या होता है। स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनर को हिंदी में संरचित प्रश्नावली कहते हैं। जैसे कि नाम से पता चल रहा है, संरचित मतलब रचना के साथ। तो वैसी प्रश्नावली जिसमें प्रश्न के साथ रिसर्च स्टार्ट किया जाता है। इट मीन्स संरचित प्रश्नावली में प्रश्न को रिसर्च करने से पहले ही तैयार कर लिया जाता है। रिसर्च करते समय उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाता है। डिटेल आंसर जानने के लिए उसमें कुछ क्वेश्चन को ऐड कर सकते हैं। इस तरह से पीबी यंग के अकॉर्डिंग संरचित प्रश्नावली वे होती है जिसके क्वेश्चन निश्चित, स्पष्ट और पूर्व निर्धारित होते हैं। साथ ही उसमें कुछ क्वेश्चन को ऐड कर सकते हैं आंसर को डिटेल में जानने के लिए। स्ट्रक्चर क्वेश्चनर को स्टैंडर्ड क्वेश्चनर माना जाता है। स्ट्रक्चर क्वेश्चनर के क्वेश्चन स्ट्रक्चर्ड होते हैं, वे अत्यधिक निश्चित होते हैं एंड सीक्वेंस में होते हैं, क्लियर होते हैं। इसका नेचर सभी रेस्पोंडेंट के लिए सेम होता है। इसका रिजल्ट ये होता है, ऐसे क्वेश्चनर के आंसर को रिसर्चर इजीली क्लासिफाई कर सकता है। अब ये क्वेश्चन आता है कि स्ट्रक्चर क्वेश्चनर का कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। तो स्ट्रक्चर क्वेश्चनर का यूज करते हैं प्राइमरी डेटा कलेक्शन में, कलेक्टेड डेटा को रिटेस्ट करने में, जब रिसर्च का ऑब्जेक्टिव सोशल या इकोनॉमिक कंडीशन से रिलेटेड डेटा कलेक्शन का हो, इसके अलावा मतों के संबंध में जानकारी प्राप्त करना हो, प्रशासनिक नीति या परिवर्तन के संबंध में अध्ययन करना हो, तो स्ट्रक्चर क्वेश्चनर का यूज करते हैं। स्ट्रक्चर क्वेश्चनर में इस तरह के स्ट्रक्चर क्वेश्चन का यूज करते हैं, जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है, यदि आज आम चुनाव हो तो आपका वोट किस पार्टी के लिए होगा। इसमें 5 पार्टीज के नेम दिए हुए हैं, इसमें से किसी एक को आपको टिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा के मौलिक अधिकार बनाने के सरकार की पहल के विषय में आपकी क्या प्रतिक्रिया है। ये भी स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन है, इसमें 5 ऑप्शन दिए हुए हैं, इस 5 ऑप्शन में किसी एक को आपको टिक करना है। नेक्स्ट है अनस्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनर, हिंदी में असंरचित प्रश्नावली। ये स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनर के जस्ट अपोजिट है। इस क्वेश्चनर में रिसर्चर रिसर्च से पहले कोई भी क्वेश्चन लिखकर नहीं रखता है। अनुसंधान कार्य में सहायक सिद्ध होने वाले प्रश्नों का निर्माण समय के अनुसार कर दिया जाता है और उत्तरदाता उसका उत्तर भेज देता है। इस क्वेश्चनर में क्वेश्चन को पहले से नहीं लिखा जाता है, बल्कि सब्जेक्ट या सब सब्जेक्ट को लिखा जाता है जिससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन रिसर्चर को प्राप्त करनी होती है। एंड रिसर्चर को इस बात की आजादी होती है कि वो प्रश्नों की भाषा एंड उसके सीक्वेंस को अपनी सुविधा और परिस्थिति के अनुसार निश्चित करे। अनस्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनर में अनस्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन का यूज होता है, जैसा कि यहाँ पर दिया गया है, आपके विचार से आज हमारे देश के समक्ष प्रमुख समस्याएं कौन सी है। तो इसके आंसर के लिए यहाँ पर स्पेस छोड़ी गई है, यहाँ पर रिस्पोंडेंट अपनी प्रतिक्रिया को व्यक्त करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चनर है क्लोज क्वेश्चनर, इन हिंदी बंद प्रश्नावली या प्रतिबंधित प्रश्नावली। इस प्रकार की प्रश्नावली में प्रत्येक प्रश्न के सामने उत्तर भी साथ में लिखे रहते हैं और रेस्पोंडेंट को अपना उत्तर उन्हीं में से छांटना होता है। इस प्रकार के प्रश्नों में उत्तर को सीमित कर दिया जाता है। उत्तरदाता को अपने स्वतंत्र मत देने की छूट नहीं होती है, उसे केवल पूर्व निर्धारित उत्तर में से किसी एक को चुनकर अपना विचार व्यक्त करना होता है। यह उत्तर अत्यंत संक्षिप्त होते हैं, उसके आधार पर रिसर्चर इजीली निष्कर्ष को निकाल लेता है। इस प्रश्नावली में प्रायः ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जिसका उत्तर हाँ या ना में देना होता है, इससे ज्यादा उत्तर देने की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये क्वेश्चनर रेस्पोंडेंट एंड रिसर्चर दोनों के लिए इजी रहता है। जैसे कि इसका एक एग्जांपल है कि क्या आपके ग्राम में पंचायत है, उत्तर देना है हाँ या नहीं। हाँ या नहीं में बस आपको एक टिक करना है, हाँ में या नहीं में, इससे ज्यादा आंसर देने की जरूरत नहीं है। इसका एक और एग्जांपल लेते हैं,
राष्ट्रीय एकता को बढ़ाने के लिए आप किस साधन को सबसे उपयुक्त समझते हैं? इसके कई ऑप्शन दिए जा रहे हैं, समाचार पत्र, रेडियो, पोस्टर, टेलीविजन या भाषण। इन 5 ऑप्शन में किसी एक को आपको टिक करना है। तो इस तरह के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए रिसर्चर को अधिक सोच विचार की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ये ज्यादा टाइम टेकन भी नहीं है। रेस्पोंडेंट को आंसर में से ही किसी एक को छांट कर देना होता है एंड ये रिसर्चर के लिए भी विशेष रूप से सुविधाजनक होती है क्योंकि ऐसे आंसर को वो इजीली क्लासिफाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइप है ओपन क्वेश्चनर, इन हिंदी खुली प्रश्नावली या अप्रतिबंधित प्रश्नावली या असीमित प्रश्नावली। इसमें रेस्पोंडेंट आंसर देने के लिए ओपन रहते हैं, उन पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाता, वे असीमित आंसर दे सकते हैं। तो इस तरह से जिन प्रश्नावली में उत्तरदाता को अपने उत्तर देने के लिए पूर्ण स्वतंत्रता होती है उन्हें खुली अप्रतिबंधित या असीमित प्रश्नावली कहते हैं। इसमें रेस्पोंडेंट को क्वेश्चन का आंसर देने में पूरी आजादी होती है, वे आंसर को छोटा या बड़ा कर सकते हैं, निबंध के रूप में भी लिख सकते हैं। इसमें कोई संभावित आंसर नहीं दिया जाता है बल्कि रेस्पोंडेंट अपनी इच्छा अनुसार अपने उत्तर को व्यक्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार की प्रश्नावली में रेस्पोंडेंट को ये अवसर मिल जाता है कि वे अपनी वास्तविक आंतरिक भावनाओं को स्वतंत्रता पूर्वक अभिव्यक्त करें। इससे रेस्पोंडेंट के पर्सनालिटी के प्रत्येक गुण का पता चल जाता है जो कि उस सब्जेक्ट से रिलेटेड है। इसमें सब्जेक्ट से रिलेटेड एक्चुअल क्वालिटी पता चलता है। इस तरह से गाइज क्वालिटेटिव डेटा कलेक्शन के लिए क्वेश्चनर बहुत यूजफुल है। नेक्स्ट क्वेश्चनर है पिक्टोरियल क्वेश्चनर, हिंदी में इसे चित्र में प्रश्नावली कहते हैं। तो इसमें पिक्चर या चित्र का यूज किया जाता है। गाइज जनरली क्वेश्चनर एजुकेटेड पर्सन के लिए ही यूज किया जाता है, बट अगर सैंपल अनएजुकेटेड हो या कम शिक्षित हो उस केस में पिक्टोरियल क्वेश्चनर के द्वारा डेटा कलेक्शन किया जाता है। इस क्वेश्चनर का पर्पस डेटा कलेक्शन के प्रोसेस को ऑब्जेक्टिव, क्लियर, इजी एंड इंटरेस्टिंग बनाना होता है। गाइज एज यू नो डे बाय डे स्ट्रेस एंड टेंशन बढ़ती जा रही है, ऐसे में जनरल आदमी भी काफी बिजी रहता है, उसके पास टाइम की काफी कमी होती है, तो उससे रिलेटेड डेटा कलेक्शन के लिए पिक्टोरियल क्वेश्चनर बेस्ट होता है। कंपैरेटिवली ये क्वेश्चनर रिसर्चर के लिए एक्सपेंसिव होती है बट ये रेस्पोंडेंट के लिए इजी रहता है एंड इजीली एप्लीकेबल है, इस वजह से इसकी डिमांड डे बाय डे बढ़ती जा रही है। ऐसी प्रश्नावली में प्रश्नों के संभावित उत्तर को पिक्चर के रूप में प्रिंट कर दिया जाता है। रेस्पोंडेंट इन पिक्चर में से किसी एक पर टिक करके अपना आंसर देते हैं। यह क्वेश्चनर अट्रैक्टिव होता है, अनएजुकेटेड बच्चे और कम बुद्धिमान व्यक्ति भी इस पर आंसर कर सकते हैं। लाइक एक एग्जांपल देखते हैं। रिसर्चर उत्तरदाता के पास एक प्रश्न लिखकर भेजता है कि आप गांव में रहना पसंद करते हैं या शहर में। इसमें आंसर के रूप में रिसर्चर गांव और एक शहर की पिक्चर को बना के दे देंगे एंड रेस्पोंडेंट जहाँ रहता है उसकी पिक्चर पर टिक कर देंगे। इस तरह से पिक्टोरियल क्वेश्चनर रेस्पोंडेंट के लिए अट्रैक्टिव एंड इजी होती है एंड रिसर्चर के लिए भी इजी रहती है क्योंकि इसमें क्लोज्ड क्वेश्चनर के जैसे ही आंसर निश्चित रहता है। गाइज इसके अलावा सेमी क्वेश्चनर या मिक्स्ड क्वेश्चनर का भी यूज करते हैं, इसमें कि एक से अधिक क्वेश्चनर का यूज किया जाता है। देन नेम क्वेश्चनर भी होता है। इस प्रकार की प्रश्नावली में प्रश्नावली के पहले पेज पर ही निश्चित स्थान होता है जिसमें कि रेस्पोंडेंट को अपना नाम पता लिखना होता है। एक और टाइप की क्वेश्चनर होती है अननोन क्वेश्चनर, जिसको नाम रहित या गुमनाम प्रश्नावली कहते हैं। यह प्रश्नावली नेम्ड प्रश्नावली से ज्यादा उपयोगी होता है क्योंकि इसमें उत्तरदाता का नाम और पता नहीं होने के कारण वह कोई भी गोपनीय विषय से संबंधित प्रश्नों का उत्तर भी बिना संकोच लिख देता है। ओके गाइज, इस तरह से ऑल टाइप ऑफ क्वेश्चनर को हम लोग पढ़ चुके हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी। इन क्वेश्चनर को लिखते समय एंड इसे लागू करते समय कई बातों पर ध्यान दिया जाता है। इन सब के अपने अपने मेरिट एंड डिमेरिट हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और इस तरह के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।